हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स हॉट 11 एस वर्सेस रियल मी 8 5G के बीच में कंपेयर करेंगे डिटेल में फ्री फायर का। एंड गाइस, FPS, स्मूथनेस, ब्राइटनेस, DPI, स्पीकर, सभी चीजों का गाइस यहां पे डिटेल में बताएंगे। एंड गाइस, आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इस टाइम पे, कौन सा सही रहेगा आपके लिए, वो सारी जानकारी गाइस आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्त, देखिए वीडियो के एंड तक। एंड यहां पे मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G88 प्रोसेसर, जो कि गाइस काफी अच्छा प्रोसेसर है। एंड जिस प्राइस में आता है वो सही प्राइस में यहाँ पे दिए हैं इन्फिनिक्स वाले। यहाँ पे मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है। एंड ये गाइस काफी कम बैटरी कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे हम फ्री फायर प्ले करेंगे एंड आपको दिखाएंगे कि कितना बैटरी दोनों ड्रेन करते हैं। तो दोस्त, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे DPI की बात करें तो गाइस दोनों ही फोन्स में आपको 360 का DPI देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे मतलब Realme को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए गाइस। यहाँ पे ये 5G फोन है एंड फ्यूचर फोन है, फिर भी गाइस ये 360 रखे हैं, इनको देना चाहिए था। बट वैसे कोई नॉर्मल दिक्कत नहीं होती यूज करने में, वो काफी सही है। एंड गाइस यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करते हैं तो दोनों की ब्राइटनेस को करते हैं सिंपली यहाँ से फुल। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की ब्राइटनेस हमने फुल कर दी है। एंड गाइस यहाँ पे दोनों काफी अच्छे ब्राइट हैं और आउटडोर में भी काफी ज्यादा विजिबल रहते हैं। बट गाइस यहाँ पे रियलमी में थोड़ा वार्म टाइप का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके वजह से थोड़ा कम ब्राइट लगता है। एंड वहीं पे इन्फिनिक्स में आपको थोड़ा कोल्ड कलर जैसा देखने को मिलता है। तो ये गाइस थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट लगता है, बट काफी ज्यादा क्लोज है, आउटडोर में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलती। गाइस यहाँ पे हमने दोनों ही फोन्स को सेम वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है। एंड गाइस यहाँ से अब हम रैम से सभी एप्स को भी रिमूव कर दिए। एंड गाइस चलिए यहाँ पे एक साथ फ्री फायर को ओपन करते हैं एंड देखते हैं कौन पहले ओपन कर लेता है। गाइस तो एक साथ ओपन कर दिए, अब गाइस देखते हैं कौन विनर बनता है। वैसे दोनों ही अपने अपने गेम मोड में एडेड है आई थिंक। एंड गाइस देखते हैं G88 या डायमेंसिटी का 700, तो देख सकते हैं 700 प्रोसेसर आगे आगे चलने लगा। एंड आई थिंक यहाँ पे गाइस आपको Realme Narzo 30 से भी कंपेयर देखने को मिल जाएगा इसका, क्योंकि गाइस उसमें G95 देखने को मिलता है। तो देखना है हमें कि कौन बेहतर है, ये या ये। एंड गाइस डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो मुझे थोड़ा क्वालिटी बेटर लग रहा है Realme का, जो कलर सेचुरेशन है वो थोड़ा बेहतर लग रहा है, थोड़ा पंची लग रहा है। यहाँ पे गाइस बेसिकली एक सेटिंग देखने को मिलता है Realme में, जिसके थ्रू थोड़ा सा आप कलर को बूस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी मस्त लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा कूल कलर जैसा देखने को मिलता है और ये वार्म है तो काफी थोड़ा मस्त लगता है देखने में गाइस। तो यहाँ पे विनर हो गया, अब चले गए इस गेम में एंटर करते हैं एंड प्ले करते हैं वन बाय वन। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम इन्फिनिक्स हॉट 11 एस में प्ले करते हैं, तब तक के लिए इसको शांत में रखते हैं। यहाँ पे गाइस मैं आपको जल्दी से बैटरी परसेंटेज दिखा दूं एंड टाइम दिखा देते हैं। मतलब टाइम क्या देखना, मतलब दो दो राउंड प्ले करेंगे एंड देखते हैं कितना गिरता है, या चार राउंड भी प्ले कर लेते हैं, चार चार राउंड। ओके गाइस, तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज फिलहाल है एज यू कैन सी 55 पे है। ओके तो गाइस देखते हैं कि चार राउंड प्ले करने के बाद कैसा बैटरी बैकअप देता है एंड कितना बैटरी ये कंज्यूम करता है चार राउंड में। तो सिंपली यहाँ से गेम को हम स्टार्ट कर देते हैं दोस्त। सो गाइस यहाँ पे गेम में एंटर कर चुके हैं, बाकी गाइस आप देखिए वीडियो के एंड तक, एंड में भी बताऊंगा कैसा परफॉर्मेंस देता है। वैसे गाइस सेंसिटिविटी इसकी काफी सही लग रही है मुझे एंड देखेंगे रियलमी में कैसा परफॉर्म करता है। मैंने हमेशा से जितने भी फोन से कंपेयर किया अभी तक इन्फिनिक्स को 10-15 हज़ार के बजट में, तो उसमें गाइस मुझे इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा देखने को मिली। यहाँ पे FPS थोड़ा सा कम प्रोवाइड करता है, बट गाइस सेंसिटिविटी में कोई भी मुझे कमी देखने को नहीं मिलती, काफ़ी स्मूथ प्ले कर लेता है गाइस। तो ये मुझे काफ़ी सही लगी इन्फिनिक्स की गाइस, यहाँ पे इससे मुझे कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिली एंड परफॉर्मेंस में भी गाइस कोई भी लैग वैग बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है। तो ये गाइस काफ़ी सही है, सेंसिटिविटी इसकी मुझे कमाल की लगी। एंड प्राइस को देखते हुए गाइस बात करें तो काफ़ी सही है, बट बंदे की तरह भाई साहब मारे जा रहे हैं, एक मिनट।
ओके, तो एक गया हमारा। यार किधर मरे जा रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे पहला राउंड हमने हार लिया गाइस। यहाँ पे तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं, यहाँ पे FPS थोड़ा कम प्रोवाइड करते हुए मुझे नज़र आता है। बाकी गाइस यहाँ पे स्मूथनेस अच्छी देखने को मिल जाती है, सेंसिटिविटी अच्छी है, टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, ब्राइटनेस एंड स्पीकर क्वालिटी बेसिकली मैं कहूँ तो काफ़ी सही है। वहाँ पे मैंने आपको साउंड भी सुना दिया, तो स्पीकर से भी कोई भी आपको शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इसकी स्पीकर क्वालिटी मतलब डुअल है तो काफ़ी मस्त एंड बेस काफ़ी मस्त सुनाई देता है। बाकी रियलमी की स्पीकर क्वालिटी मुझे थोड़ा ज़्यादा लाउड लगा कंपेयर टू इन्फिनिक्स, बट उसमें बेस उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है जितना कि इसका बेस अच्छा है गाइस, तो ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूँ। बाकी गाइस आप गेम प्ले इन्जॉय कीजिए एंड एंड में बताते हैं कि कौन सा बेटर है और कौन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ओके, हमारा लास्ट राउंड एंड गाइस, हम अच्छा प्ले नहीं कर पा रहे हैं गाइस। वैसे एंड गेम करने में दिक्कत भी होती है एंड वैसे हम प्रो प्लेयर हैं भी नहीं, और बंदे भी हमारे आए हैं खूब प्रो प्रो, तो खूब मस्त गेम प्ले हो रहा है गाइस। बाकी हमको 4 राउंड बस प्ले कर रहे हैं एंड परफॉर्मेंस है गाइस सच में कोई भी इशू नहीं है। वैसे हमने फ्री फायर टेस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा किया है, तो वो वीडियो आप जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में वहाँ पर थोड़ा गेम प्ले अच्छा हुआ है, बट यहाँ पे गाइस काफ़ी बोट टाइप चल रहा है। बट ठीक है गाइस, हमको परफॉर्मेंस एंड बैटरी देखना है, तो वो सभी चीज़ें गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। भाई साहब इतने बोट बोट बंदे हैं हमारे, क्या ही कोई खेलेगा। ठीक है, लेट्स सी। अबे नॉक भी नहीं होता। अबे यार एक आगे, इसको मार पीछे पीछे, देखो पीछे यार, जल्दी मार जल्दी मार। सबके सब बोट ही है। तो गाइस परफॉर्मेंस रिलेटेड यहाँ पे कोई भी इशू नहीं, ये भी देख रहे हैं कि हम हार ही जाएंगे। तो गाइस परफॉर्मेंस अच्छा है, सेंसिटिविटी इसकी अच्छी है, FPS थोड़ा कम प्रोवाइड करता है। बाकी गाइस बैटरी बैकअप कैसा है 4 राउंड में वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिर रियलमी में प्ले करके आपको दिखाएंगे। तो ऑलमोस्ट 4 राउंड हमारा होने ही वाला है एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज आ चुका है गाइस, देख सकते हैं 52 पे आ चुका है। तो गाइस बैटरी परसेंटेज 52 यानी कि कितना, 3% डिक्रीज हो चुका है, 55 पे था। ओके, तो 4 राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड मैच भी हार गए। ओके, तो गाइस इसको अब साइड में रखते हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी सही दिया। अब गाइस यहाँ पे सिंपली हम रियलमी में प्ले करते हैं एंड गाइस यहाँ पे सिंपली लगाते हैं क्लास स्क्वाड। यहाँ पे रैंक कभी नहीं इनेबल्ड है, हमने ये नया अकाउंट बनाया इसके वजह से सिंपली स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखाना भूल गया, तो गाइस देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज यहाँ पे है 69। ओके, तो देखते हैं 4 राउंड बाद कितना ड्रेन होता है। तो सिंपली यहाँ पे हम गन खरीद लें, गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे साउंड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी फीकी लगती है कंपेयर टू रियल, बिकॉज वहाँ पे डुअल स्पीकर है तो इसके वजह से थोड़ा साउंड क्वालिटी बेटर देखने को मिलता है। बट गाइस यहाँ पे FPS की बात करें तो यहाँ पे FPS काफ़ी मस्त प्रोवाइड करता है एंड 60 FPS पे हम प्ले कर रहे हैं। सेटिंग दिखाना आपको भूल गया, बट दोनों को ही हमने सेटिंग 60 FPS अल्ट्रा शैडो के साथ प्ले कर रहे हैं। तो गाइस 60 FPS ये काफ़ी स्टेबल प्रोवाइड करता है एंड गाइस यहाँ पे कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलती है, तो ये गाइस काफी सही है एंड गाइस ये काफी मस्त परफॉर्म कर ले रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 2 बंदे हमने मार दिए एंड गाइस यहाँ पे लैग वैग बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है, बट एक इशू जहाँ पे मुझे हमेशा मिली है
वो गाइस रिकॉर्डिंग करते, जैसे भी आप रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे गाइस आपको इसके साउंड में काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कोई भी मुझे इशू देखने को नहीं मिली, काफ़ी सही परफॉर्मेंस कर लेता है। एंड तो यहाँ पे परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। टच रिस्पॉन्स गाइस काफ़ी कमाल का है, मतलब डिस्प्ले इसका मस्त है यूज़ करने में। फिंगर जो स्लाइड होता है वैसे इस पर हमने ग्लास अटैच कराया, इसके वजह से भी काफ़ी मस्त परफॉर्म कर लेता है। तो गाइस यहाँ पे कोई इशू नहीं देखने को मिला, बस एक ही इशू मुझे लगा। यहाँ पे सेंसिटिविटी भी गाइस काफ़ी सही है, एंड रियल मी मतलब नार्जो 30 से थोड़ा सा बेटर है, एंड इन्फिनिक्स से भी मैं कह सकता हूँ कि बेटर है। यहाँ पे सेंसिटिविटी काफ़ी मस्त प्रोवाइड कर रहा है ये। ये भाई साहब हद धनवार दे रहे हैं हम लोग, वो हमारे बंदे इतने बोट्स हैं क्या ही बताए भाई। एक ही बचा है, मार दे यार, रिवाइव कर दे मेरे को, और कुछ नहीं तो। अरे यार उनको मार, रिवाइव कर, रिवाइव कर, हेलो हेलो रिवाइव कर। अरे यार बस बस अब जीतने का चांस है। चलो गाइस तो 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, गाइस फाइनली जीत गए, बोट बंदे हैं बट रिवाइव कर दे रहे थे। ओके तो गाइस यहाँ पे बैटरी परसेंटेज की बात करें तो वहाँ पे 3% की ड्रॉप देखने को मिली थी, बट गाइस यहाँ पे देखेंगे 67 पे आया, यानी कि 2% डिक्रीज हुआ है। तो गाइस ये बैटरी को काफ़ी ज़्यादा सेव कर रहा है, 7 nm पे प्रोसेसर है इसके वजह से। गाइस तो परफॉर्मेंस के लिए गाइस दोनों ही काफ़ी मस्त हैं अपने अपने प्राइस में, बट गाइस डेफिनेटली मैं कहता हूँ हमेशा कि कम प्राइस में आप फ़ोन लीजिए, वो काफ़ी सही रहता है, वैल्यू फॉर मनी रहता है। तो यहाँ पे 10,000 में अभी ये इन्फिनिक्स मिल जाता है, एंड गाइस काफ़ी सही वैल्यू एड करता है अपने प्राइस में। बट ये गाइस महंगा है, बट इसमें एडवांटेज भी है। वैसे फ्री फायर में दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, ये स्टेबल FPS प्रोवाइड कर देता है, बट ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, बस यही डिफरेंसेस है, नहीं तो दोनों काफी ज्यादा सही हैं। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।